हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी हथेली बिल्कुल स्क्वायरिश शेप में है और जो फिंगर्स हैं वो मीडियम लेंथ की हैं। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम एक शेप ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, तो एक स्क्वायर जैसी शेप यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है, जो शो करती है एक अच्छी और हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और दूसरी, और जो इनकी फिंगर्स हैं उनको अगर चेक करते हैं यहाँ पर, आपको नज़र आएगा साइज़ में बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है फिंगर्स, जो यहाँ पर कुछ हद तक हेस्टी नेचर को शो करती हैं, जल्दबाज नेचर को शो करती हैं। ऐसे व्यक्ति कई बार डिसीजंस लेने में जल्दबाजी कर देते हैं और कई बार उस वजह से नुकसान भी उठाना पड़ता है। वैसे बहुत फ्रेंडली नेचर रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर लगभग सभी फैलेंजेस के ऊपर अगर आप देखें, ऐसी सीधी खड़ी रेखाएँ आपको देखने को मिलेंगी जो सभी फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हैं, जो इनको काफ़ी फ्रेंडली टाइप का पर्सन शो करती हैं। और जो गैप है फिंगर्स के बीच में, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग में ही काफ़ी गैप है, जो शो करता है इंडिपेंडेंट टाइप की अप्रोच को। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर इंडिपेंडेंट ख्यालात के होते हैं और अपनी मनमर्जी करने की इनकी हैबिट रहती है, किसी की राय जल्दी यह मानते नहीं हैं, कुछ ऐसी नेचर इनकी रहने के चांसेस हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लेंथ इनकी फिंगर्स में, तो जो लेंथ है इनमें, उसमें आप देख सकते हैं जो बृहस्पति फिंगर है, गुरु फिंगर है, उसकी लेंथ ज़्यादा है यहाँ थोड़ी सी, और काफ़ी ज़्यादा जो लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ हाई रहती हैं। अगर गुरु फिंगर की लेंथ अच्छी हो, और गुरु माउंट भी यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है, अच्छी स्पेस गुरु माउंट को मिल पा रही है, तो लीडरशिप क्वालिटीज़ ज़्यादा रहेंगी। और जो इनकी सूर्य फिंगर है वो भी यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, अच्छी क्रिएटिव क्वालिटीज़ भी रहेंगी। हार्डवर्किंग नेचर तो है ही, क्योंकि हैंड भी स्क्वायरिश है, और जो इनकी शनि की फिंगर है वो भी काफ़ी अच्छी लेंथ में और स्ट्रांग दिखाई दे रही है। मरकरी की जो फिंगर है, बुध फिंगर, वो थोड़ी सी पॉइंटेड हो रही है आगे से, अगर आप देखें पॉइंटेडनेस नज़र आ रही है इसमें, और लंबाई में भी यह फिंगर काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, जो यहाँ पर फर्स्ट फैलेंज के भी ऊपर तक पहुँचती हुई, जो यहाँ पर काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ इशारा करती है। और ओवरऑल मरकरी यहाँ पर लो सेट भी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति बिल्कुल भी शाई नहीं होते और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं, एक्स्ट्रोवर्ट टाइप की पर्सनैलिटीज़ इनको कहा जा सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं फिंगर्स के बाद इनकी जो माउंट्स हैं और लाइंस, इनके बारे में क्या क्या इंडिकेट करती हैं। तो यहाँ पर अगर एक मैं लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाना चाहूँ, तो आपको नज़र आएगा जो इनकी फिंगर्स हैं वो कुछ इस तरह से सेट हैं, जिसमें कोई भी फिंगर लो सेट होती हुई नहीं दिखाई दे रही। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पेस मिल पा रही है सभी माउंट्स को। और उसके बाद आगे देख सकते हैं काफ़ी सारी लाइंस हैं इनके हाथ में, थोड़ी सी सेंसिटिव टाइप की पर्सनैलिटी इनकी रहने के चांसेस हैं। ओवरऑल हम चेक करते हैं वन बाई वन कौन कौन सी लाइंस हैं और क्या क्या इंडिकेशन इनकी इस लाइन से हमें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं माउंट्स को, तो यहाँ पर आप देखें अगर इनका बृहस्पति माउंट जो है काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, उभरी हुई रेखाएँ जिनको प्रोग्रेस लाइन्स हम कहते हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी क्लियर दिखाई दे रही हैं, ऊपर की तरफ बढ़ती हुई कुछ ऐसी रेखाएँ जो इनको काफ़ी बेनिफिट्स देंगी, प्रोग्रेस लाइफ में काफ़ी अच्छी रहेगी। उसके बाद अगर आप देखें आपको नज़र आएंगी सिंपथी की रेखाएं भी कुछ इस तरह की, जो सिंपथेटिक पर्सनैलिटी बनाती हैं। और उसके अलावा यहाँ पर एक स्क्वायर जैसा चिन्ह बनता हुआ, लेकिन कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं है, फिर भी स्क्वायर जैसा चिन्ह यहाँ पर काफ़ी बड़े साइज में बनता हुआ, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लगभग गुरु की तरफ से प्रोटेक्शन रहती है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगी हार्ट की लाइन से निकलकर लाइन नीचे की तरफ बढ़ती हुई कुछ ऐसी लाइन, जो यहाँ पर शो करती है मांगलिक दोष को, जिसकी वजह से अग्रेशन यानी कि गुस्सा अधिक रहता है और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं। शनि की बात की जाए तो आप देख सकते हैं शनि माउंट जो है काफ़ी अच्छी स्पेस शनि माउंट को मिल रही है, और शनि रेखा को अगर देखा जाए
तो कुछ इस तरह की शनि रेखा, काफी अच्छी शनि की रेखा है हाथ में, तो लाइफ में कंफर्ट्स तो रहेंगी, सेंसिटिविटी भी है लेकिन अच्छी कंफर्टेबल लाइफ भी रहेगी। शनि की रेखा की लंबाई अच्छी है और माउंट भी दबा हुआ नहीं है, और शनि फिंगर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से लाइफ में कंफर्ट्स रहेंगी, थोड़ी स्ट्रगल भी रहेगी और काफ़ी अच्छा पैसा यह अपनी लाइफ में कमा पाएंगे। और आगे देख सकते हैं इनका, इनकी जो सूर्य माउंट है वो इनके बारे में क्या बता रहा है। सूर्य माउंट के ऊपर स्टार जैसा चिन्ह बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, कुछ इस तरह से यहाँ पर स्टार जैसा चिन्ह बनता हुआ, और दूसरा हल्का सा गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन भी यहाँ पर, दोनों चीज़ें बनती हुई आपको दोबारा से ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। कुछ इस तरह का गर्डल ऑफ वीनस हल्का बनता हो जो क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, और यहाँ पर स्टार जैसा चिन्ह बनना इनको ओल्ड एज में चलकर काफ़ी फेम दिलवा सकता है। इस तरह का चिन्ह व्यक्ति को काफ़ी बेनिफिट्स देता है, तो यहाँ पर यह चिन्ह का होना इनको अच्छा नेम एंड फेम दिलवा सकता है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसी माउंट के की तरफ इशारा करती हुई फिश भी एक इनके हैंड पे बनती हुई दिखाई दे रही है, जो यह एक फिश का चिन्ह है, आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरह का फिश का चिन्ह यहाँ पर बनता हुआ, और जिसका रुख अगर देखा जाए तो सूर्य माउंट की तरफ यहाँ होता हुआ, जो यहाँ पर इस चीज़ की ओर इंडिकेट करता है कि सूर्य माउंट इनका काफ़ी प्रोमिनेंट रहेगा, काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल, काफ़ी अच्छा नेम एंड फेम ये अपनी लाइफ में पा सकते हैं। मरकरी माउंट की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा मरकरी माउंट उभरा हुआ है, और कोई भी नेगेटिविटी मरकरी माउंट के ऊपर नज़र नहीं आ रही, काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स लाइफ में इनको काफ़ी तरक्की भी करवाएंगे। आगे देख सकते हैं इनकी मेन लाइंस को, तो हार्ट की लाइन को अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से चलती हुई सीधी हार्ट की रेखा और डबल हार्ट की रेखा यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं दो हार्ट की लाइंस, जो पहली लाइन है वो तो बिल्कुल सीधी माइंड की लाइन के साथ मर्ज हो रही है, जो यहाँ पर शो करती है सिमियन लाइन के स्ट्रक्चर को, जो जुनूनी और पैशनेट टाइप की पर्सनैलिटी होती है उस तरह की पर्सनैलिटी को शो करती है। लेकिन हार्ट की लाइन का डबल होना और साथ साथ हल्का सा गर्डल ऑफ वीनस भी बनना यहाँ पर शो करता है काफ़ी इमोशनल और लॉयल पर्सनैलिटी को भी, और अदरवाइज भी इनकी जो हार्ट की लाइन है वो यहाँ पर लगभग इनका जो माउंट है गुरु वहाँ तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये लॉयल रहेंगे। और हार्ट की लाइन का डबल होना भी यहाँ इसी तरफ इंडिकेट करता है कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल टाइप की नेचर रह सकती है। इस तरह की हार्ट की लाइन का होना इनको काफ़ी इमोशनल भी बनाएगा, और थोड़ी सी मूडी टाइप की नेचर इनकी रहने के चांसेस हैं। ओवरऑल हार्ट की लाइन में कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, डबल हार्ट की लाइन यहाँ सपोर्ट कर रही है, और जो भी कमियाँ रहती हैं, जो भी पैशन रहता है, जुनून रहता है सिमियन लाइन की वजह से, उसको एक तरह से कवर करने का काम करती है जो सेकंड हार्ट की लाइन है। उसके बाद आप देख सकते हैं इनकी जो शनि रेखा है उसके साथ भी एक फिश का चिन्ह बनता हुआ आपको दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल साथ में जुड़ा हुआ, जिसको हम शश योग, शश महापुरुष योग भी कह देते हैं। जब कुंडली में किसी के शनि, जो शनि देव हैं वो केंद्र में हो और अपनी राशि में या अपनी एग्जॉल्टेशन वाली राशि में हो तो शश योग माना जाता है। उसी तरह से हस्त रेखा में अगर किसी की शनि लाइन के साथ एक फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आए, आपको यहाँ पर बनाकर दिखा रहा हूँ जो आपको और क्लियर करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सीधी जाने वाली रेखा है येलो कलर में, यह इनकी रेखा है शनि की, और यहाँ पर जो रेड में बना रहा हूँ यह एक फिश का चिन्ह क्लियर बना रही है। आप इस तरह से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। इस तरह का योग जो है शश महापुरुष योग, जो बहुत ही बेनिफिशियल है, शनि का प्रभाव ज़्यादा रहता है इस व्यक्ति के ऊपर, थोड़ी गंभीर नेचर भी होती है, लेकिन शनि की तरफ से हर तरह की सुख सुविधाएं व्यक्ति को मिलती हैं और बहुत अच्छा योग इसको माना जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा इनका सूर्य और शनि दोनों ही काफ़ी स्ट्रांग है, तो लाइफ में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस रहने के चांसेस हैं, कुछ खास ये कर सकते हैं क्योंकि सेमियन लाइन भी यहाँ पर बन रही है, थोड़ी सी पैशनेट पर्सनैलिटी भी रहेगी, वर्क एल्कोहलिक टाइप की नेचर भी रहेगी, साथ ही साथ यह यहाँ पर थोड़े से इमोशनल टाइप के पर्सन भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा इनकी जो फेट लाइन है उससे बनने वाले योग को, और आगे देख सकते हैं जो इनकी माइंड की लाइन है, माइंड की लाइन यहाँ कुछ इस तरह से चलती हुई नीचे की तरफ झुका हुआ है, बिल्कुल सीधी लाइन चलने के बाद माइंड की लाइन बिल्कुल नीचे की तरफ बढ़ती हुई,
जो इनको डे ड्रीमर भी बना सकती है। इमेजिनेशंस बहुत ज़्यादा रहेंगी, बहुत सारी प्लानिंग्स इनकी माइंड में चलती रहेंगी। कुछ इस तरह की प्लानिंग्स होने के कारण थोड़ी सी डे ड्रीमिंग जैसी सिचुएशन रह सकती है। उसके बाद यहाँ पर एक जो अच्छी रेखा बनी, जिसको हम मर्करी लाइन कहते हैं, मर्करी माउंट वैसे भी अच्छा है, मर्करी लाइन काफ़ी स्ट्रांग है, और यह जो माइंड की लाइन है, तो ये तीनों माइंड की लाइन, मर्करी लाइन और तीसरी जो लाइन है फेट की लाइन, तीनों मिलकर एक त्रिकोण का यहाँ पर फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस तरह का त्रिकोण जिनके भी हाथ में बनता है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी रिच होते हैं और धीरे धीरे करके यह पैसा इकट्ठा करते हैं, अचानक से नहीं लेकिन धीरे धीरे करके, और काफ़ी ज़्यादा रिच हो जाते हैं अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर इस तरह का योग, अच्छा मनी ट्रायंगल यहाँ पर बनता हुआ। और अगर देखें इनकी लाइन ऑफ लाइफ को, आप देख सकते हैं लाइफ की लाइन थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स वाली लाइन में देख पा रहा हूँ, कुछ इस तरह की लाइन और एक बारीक लाइन इसमें से बाहर की तरफ चलती हुई इस तरह की फॉर्मेशन बन रही है, जो शो करती है कुछ समय ये घर से दूर भी स्टे कर सकते हैं। अदरवाइज लगभग यहाँ पर 75 से लेकर 80 के आसपास की लाइफ इनकी रहने वाली है। जो लाइफ लाइन है यह काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन साथ ही साथ कुछ स्ट्रेस की लाइन्स भी मैं देख पा रहा हूँ, जिसकी वजह से लाइफ में स्ट्रेस भी रहेगा। कुछ इस तरह की लाइन्स, हल्की लाइन्स जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जो बारीक लाइन्स हैं यहाँ पर स्ट्रेस की, अलग अलग एजेस में इनको काफ़ी सारा स्ट्रेस, इवन के थ्रू आउट द लाइफ यहाँ पर मैं ऐसा स्ट्रेस देख पा रहा हूँ, जो कहीं ना कहीं से इनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दे सकता है। हेल्थ रिलेटेड इशू के साथ साथ यह जो स्ट्रेस लाइंस होती हैं, किसी भी तरह का स्ट्रेस हमें देती हैं, ज़्यादा डीप डार्क होती हैं। अगर तो सिर्फ लाइफ लाइन को काटती हैं तो हेल्थ रिलेटेड इशूज़ देती हैं, अगर साथ में लक लाइन को या माइंड की लाइन को काटती हैं तो फैमिली से रिलेटेड स्ट्रेस भी रह सकता है, स्पाउस से रिलेटेड स्ट्रेस भी रह सकता है। तो काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स इस तरह की जो लाइंस होती हैं, स्ट्रेस लाइंस होती हैं, इनकी वजह से व्यक्ति को होने के चांसेस रहते हैं। मून एरिया यहाँ पर थोड़ा सा वीक हो रहा है, जो थोड़ी सी तनाव वाली स्थिति भी पैदा कर सकता है। ओवरऑल काफ़ी अच्छी लाइंस हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें तो हर व्यक्ति की लाइफ में होती हैं, तो यहाँ पर भी कुछ मून का वीक होना, डे ड्रीमिंग होना और सिमियन लाइन होना कुछ प्रॉब्लम्स इनको दे सकता है, मानसिक तनाव रह सकता है, लेकिन लाइफ काफ़ी अच्छी है, फाइनेंशियल लाइफ इनकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। फाइनेंसिस के साथ साथ वीनस का एरिया अच्छा है, वरी लाइंस के साथ है लेकिन काफ़ी उभरा हुआ वीनस का क्षेत्र है, जिसकी वजह से हर तरह की सुख सुविधाएँ इनको लाइफ में मिलती रहेंगी। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।